पुलिस वाले ने कहा, मैंने उसको बोला आ जाओ कैमरे पे पढ़ के दिखा दो, आप पुलिस वाले के पास चलिए वो पढ़ के दिखा दे, मान जाऊं इस ऑर्डर को, पढ़ दे इन दोनों ऑर्डर को पढ़ दे बस, कैमरा कर दीजिए मैं मान जाऊंगा, पढ़ दे दो वो बता दे अगर ये का, हमारे पास क्यों नहीं पढ़ेंगे हम, आप पढ़वा दो, मान जाऊंगा मान जाऊंगा, पढ़वा दो ये ऑर्डर, लगता है बिल्कुल डरते हैं जी, वो सच बोलने से डरते हैं, वो सच क्या सच बोल, सच बोलने से डरते हैं कि इनके पास ऑर्डर है सब कुछ, उसके बावजूद हम लोग इनको हटा, कोर्ट का सारे ऑर्डर पड़े सारे सब कुछ देख लिया, अब इसमें बता दो अगर कोई पुलिस वाला पढ़ने का राजी हो, कई एमसीडी वाला पढ़ने को राजी, क्यों नहीं पढ़ रहा है इस चीज को, क्यों नहीं इसकी वैल्यू समझता है, क्यों हाई कोर्ट की वैल्यू कहीं नहीं है, या इन पुलिस वालों या इन एमसीडी वालों से ऊपर है हाई कोर्ट है कि नहीं है, यह मतलब एमसीडी ऊपर है हाई कोर्ट नीचे है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोधी रोड, लोधी रोड में यहाँ पर साईं बाबा मंदिर है पास में, और उन्हीं लोगों की मंदिर की से जुड़ी हुई दुकानें हैं, और इन्हीं दुकानों की जो है कार्रवाई, तोड़फोड़ की कार्रवाई चालू कर दी है, छोटा मोटा रोजगार चलाकर यहाँ पर गुजर बसर करते थे, अभी जिनकी दुकानें टूट चुकी हैं उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिताराम जी। पिताराम जी, आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? मेरी दुकान ये थी जी। ये सामने दिखा दीजिए एक बार, ये बैरिकेड लगा दिया है यहाँ पे पीछे में, इनकी दुकान थी और जिसकी तोड़फोड़ कर दी गई है, कितना मुश्किल हो जाता है कोई एक दुकान अपनी बड़ी मुश्किल से खड़ी कर पाता है, अपनी गृहस्थी बसाने के लिए, अपना घर रोजगार चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए दुकान छोटी मोटी लगाता है, मगर जब एमसीडी की कार्रवाई इस तरीके से होते हुए तोड़फोड़ कर दी जाती है तो कैसे उनका गुजर बसर चलता है, अभी इन्हीं लोगों से हम जान लेते हैं। तो अभी आपका आपका क्या नाम है? उदय भान वर्मा। उदय भान जी, आपकी भी दुकान थी? जी मेरी वो उधर की दुकान है। अब हम इतने साल से दुकान लगा रहे हैं। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? बहन जी कम से कम हो गया 2004 से। 2004 से? 2004 से लगा जी। ऐसा हुआ कभी? ऐसे होता था पर लेकिन इतना नहीं होता था कि बैरिकेड लगाते थे, कभी ऐसा नहीं करते थे, आते थे धमकी देके चले जाते थे कि हटा लो हम ये सब तोड़ देंगे ये कर देंगे, भाई 6 में लगाते थे, बाहर नहीं, बाहर का हटाना था, अंदर ऐसे रहते थे, आज ने साथ से लगा रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज ने अचानक पता नहीं क्या क्या मूड में आए, इन्होंने सारा सामान तोड़ फोड़ के जैसे पाया सारा ले गए, इतना फ्रेम बाबा की मूर्ति है, पत्थर तक नहीं छोड़े आपकी दुकान, हम भगवान की पूजा करते हैं, दुनिया पूजा करती है, इस तरह से तोड़ती तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान की मूर्तियाँ देखें ऐसे, ये बैरिकेड लगा दिया, जो नीचे बैठ के भी कमा के न खाली है, ये दुकान के आगे बैरिकेड क्या बोल के लगाया? बोल के लगाया दुकान में लगाना, लगाना नहीं, हाँ लगाना नहीं, हम एक तो हम क्या खाऊंगा बेटा, झुग्गी में रहते हैं, अभी हमारे पास दो दो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, अब उनके हम खर्चा कहाँ से देंगे, हमारी बीबी बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, एक रोजी रोटी चलाने का एक दुकान थी उसका भी आपने ऐसी तैसी कर दी हमारी दुकान की, अब हम कहाँ से कमाएंगे, एक तो हमें सरकार ने लोन दे दिया, कह रहा आप लोन ले लो, यही टाउन मंडी यही कमेटी वाले एमसीडी के कर्मचारी खुद आए यहाँ पे बोलने के लिए कि भाई आप हमसे लोन ले लो, हम एमसीडी के कर्मचारी आपसे बोले कि हमसे लोन ले लो, हाँ आप समझ लीजिए एमसीडी के कर्मचारी इनको बोल रहे हैं लोन लेने के लिए, हमसे लोन दिलवाया और लोन लिया भी हमने, उसके बाद में लोन लिया, लोन भर अब भरेंगे, अब कहाँ से भरेंगे, लोन लाया सामान लिया, उन्होंने बोला लोन लेके ही आपने दुकान चालू की थी, अब जो है तोड़ दिया आपकी दुकान, इसी से ही लोन लिया, उसके बाद में लोन से सारा सामान लाया, भरा दुकान ठीक ठाक चलने लग गई, तो जब चलने लगे इन्होंने अचानक आए सारा सामान तोड़ा, सामान भी ले गए, हमारा तखत भी ले गए, सब कुछ ले गए, अब हमारे पास बचा क्या, इन्होंने सर्वे करवाया उससे पहले, देखो कागज वगैरह थे आपके पास, सामने दिखा दीजिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है इसमें, सबसे पहले हमारा सर्वे, ये देखो सर्वे हुआ था ना, सर्वे करके पर्ची दी, उसके बाद ये हमें वो दिया सर्टिफिकेट आई है, ये अगर गलत है ये झूठा है तो आप हमें सर्वे क्यों करा रहे हो, ये एमसीडी के जो कर्मचारी है जो टाउन बिल्डिंग कमेटी के मेंबर बने हुए क्यों बने हुए, क्या फायदा तुम्हारा ऐसे सर्वे करने का, जब इसकी वैल्यू नहीं क्यों दे रहे हो, ऐसे हमें देने से क्या मतलब है आपको, अगर इसकी कोई वैल्यू है तो हमें बैठा दे, चार बाई सर्वे के दौरान दिया गया था आपको सर्टिफिकेट, हाँ जी बन के आया था बाद में आया, हमें तो पहले बाद में रसीद दी गई, क्या नाम है आपका? मांगीलाल। आपकी भी दुकान? हाँ जी मैडम, मेरी यहाँ दुकान थी, मांगीलाल जी की भी यहाँ पे दुकान थी, और इनके हाथ में साफ 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 आप तौर पे देख सकते हैं, चलान भी है और सारा डॉक्यूमेंट भी है, कोर्ट में हमारा वो भी था, कोर्ट के ऑर्डर भी है इनके पास, आपको देखो हमें पहले ऑर्डर देते हैं, हमें कोर्ट ने टाउन वेंडिंग कमेटी भेजा, टाउन वेंडिंग कमेटी ने हमारा सर्वे करा, हमारे सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद भी हमारे को हटाया जा रहा है, ये सर्वे की स्लिप, ये सर्वे की स्लिप है जिसके इसी कमेटी के जितने मेंबर हैं वो साइन भी करेंगे, और दुकान नहीं तोड़े, तीन ये मेंबर बने किस बात के,
फ्री के बने हैं, हमने इनको आप सामने देख सकते हैं एसडीएमसी लिखा हुआ है, उसके सारे जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे साइन भी किया हुआ है, स्टैंप भी लगा हुआ है, बावजूद इसके इनकी दुकान सुरक्षित नहीं रही। आपके आपके पास भी, आपका भी क्या नाम है? इंद्रभान वर्मा मेरा नाम है मैम। आपकी भी दुकान थी यहाँ? हाँ, तोड़ दी गई। तोड़ दिया, हटा दिया। ये क्या, किस चीज के है आपके पास डॉक्यूमेंट? हाई कोर्ट का ऑर्डर है मैम, ये हमारे सर्टिफाइड कॉपी है। सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? मैम आप मान लीजिए 2018 का ये हाई कोर्ट की, इनके पास देखिए कॉपी है, उसको दिखाया था इन लोगों को आपने, ये आए थे? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, देखते ही नहीं, हम नहीं जानते। आप कोर्ट जाओ, सब कुछ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ाऊंगा मैं ये, ना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कह रहे सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं दिखाते हुए भी नहीं माने, मानता ही नहीं है। यहाँ कहेगा मारो, काम है मैं तो कराऊंगा। हाँ जहाँ काम है तो मिनकी भी मारने लगे, मिनकी मर गया ही बेटा, मारा तो नुकसान हो रहा है, मारा मिनकी मर गया है, मारा के बाकी रह दिए, अब तो हमारा नुकसान होगा, हमारी रोजी रोटी छीने गई, मारा तो नुकसान बहुत हो रहा है। अब मैं तो जब आप ये दिखा रहे हैं उसके बाद आपने पूछा नहीं कि ये क्यों तोड़ रहे हैं? माने ही नहीं माने रहे हैं, इनकी मानते हैं, हमारी सबकी नहीं। क्यों मानते हैं? अब वो दुकानदार इनसे एक बार पूछ रहे हो कि आपकी मानते क्यों और इनकी क्यों नहीं मानते हैं। हाँ, बार आप तिलक लगाते इसलिए मान रहे हैं क्या? अब ये हो सकता है भाई, तिलक लगा रहे इसलिए हिंदू हैं हम लोग, कौन से मुसलमान हैं? हाँ, हम लोग भी तो हिंदू हैं, हम लोग भी तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने वाली ये बात कहाँ से आ गई? तिलक आप भी लगाते, आ जाइए जरा, मैं भी आ। भगवान को मानते हैं आप लोग? हम लोग मानते हैं, तभी तो हम बैठे। भगवान को मानते हैं जी, भावनाओं पे मत जाइए, भावनाओं में तो हम लोग, अगर हम भगवान को नहीं मानते तो भावनाएं आहत हो रही हैं। भावनाओं को मैं क्या कर रही हूँ? एक मिनट, आहत तो आप ये देखिए, जो लीगल चीज़ है उस चीज़ को देखिए आप, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ नंबर, केस नंबर भी है, सब कुछ है। आप डेट भी देख सकते हैं कितनी तारीख का है, 19/7/2019 का। इसी में ये ऑर्डर है जिसके अंदर इनक्रोचमेंट हटाने के लिए बोला गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फोकस करिएगा, इसी लाइन में 3 नंबर का जो ये सेक्शन है, इसमें हटाने के लिए इनक्रोचमेंट का ऑर्डर है, पर उसी के अंदर क्या बोला गया है कि एक्सेप्ट इन दोज केसेस वेयर प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड अंडर ऑर्डर्स पास्ड बाय एनी कोर्ट, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। और ये हमारे पास ऑर्डर है 18/4/2018 का, आप डेट देख लीजिए, पहले केस नंबर देख लीजिए, इससे पहले का ऑर्डर है हमारे पास, जिसके अंदर हमें 6/4 की परमिशन यहाँ मिली हुई है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सफाया कर दिया गया है दुकानों का, कम से कम 5-6 दुकानें थी उनको बिल्कुल साफ कर दिया गया, उसको मानते ही नहीं है ये लोग, अपनी अपनी चलाते हैं बस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मुकेश जी कितना पढ़े लिखे? 10वीं पास हूँ जी मैं। 10वीं पास है? हाँ जी। आप फिर भी नहीं लड़े? जी हम लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लड़ते अभी मैंने आपके सामने पुलिस वाले को बोला कि आई ऑर्डर, आप ऑर्डर देखो, उसने पुलिस वाले ने कहा कि हमने सारे ऑर्डर पढ़ रखे हैं, पुलिस वाले ने कहा, मैंने उसको बोला आ जाओ कैमरे पे पढ़ के दिखा दो, आप पुलिस वाले के पास चलिए, वो पढ़ के दिखा दे, मान जाऊं इस ऑर्डर को, पढ़ दे इन दोनों ऑर्डर को, पढ़ दे बस, कैमरा कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा, पढ़ दे दो, वो बता दे अगर ये का हमारे पास, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम, आप पढ़वा दो, मान जाऊंगा, मान जाऊंगा, पढ़वा दो ये ऑर्डर। लगता है उनको बिल्कुल डरते हैं जी, वो सच बोलने से डरते हैं, वो सच, क्या सच बोलने, सच बोलने से डरते हैं कि इनके पास ऑर्डर है सब कुछ, उसके बावजूद हम लोग इनको हटा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर एक्ट भी बना हुआ है पूरे देश के अंदर, जहाँ तक आपको पता हो 2014 का, तानाशाही चल रही है, बिल्कुल तानाशाही है जी, तानाशाही है जी, एमसीडी की तानाशाही है ये बिल्कुल। किसके अंडर है पता है? एमसीडी बीजेपी के अंडर है हमें पता है, पर लेकिन अब जो भी है कर ही एमसीडी रही है। मैं कह रहा हूँ ये ऑर्डर जो है हमारे, एमसीडी को ऑर्डर देने वाला भी तो कोई होगा, अब एमसीडी को किसने ऑर्डर दिया किसने नहीं दिया, पर हमको तो एमसीडी हटा रही है, हमें इतना पता है, और वो किसी ऑर्डर को नहीं मानते ये भी हमें दिख रहा है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी है वो भी नहीं पढ़ते इस ऑर्डरों को, क्या है क्या इनके पास कुछ है भी कि नहीं है, सीधा बोल देते कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है जी, सीधा बोल देते कुछ नहीं है। इसी ऑर्डर को जो मैं ये आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, इसी ऑर्डर को हमारे यहाँ पहले पुराने एसएचओ थे लोधी कॉलोनी के अंदर रविशंकर जी, उन्होंने इस ऑर्डर को यहाँ पब्लिकली पढ़ा था, उसकी वीडियो आज भी हमारे पास है, पढ़ा था उन्होंने बिल्कुल जी, पब्लिकली पढ़ा था रविशंकर जी, इसी ऑर्डर को यहाँ पब्लिकली पढ़ा था, जिसका वीडियो हमारे पास आज भी है, इसी ऑर्डर के वीडियो दिखा सकते थे आप, दिखाया आपने?
नहीं मानते जी, वो नहीं दे कुछ देखना ही नहीं चाहते, कुछ सुनना ही नहीं चाहते, वो तो सीधा आते हैं साइड हो जाओ। ऐसा लग रहा है आंखों पे पट्टी बांध के और कानों में रुई ठूस के आए, ऐसे ही समझ लीजिए, आंखों पे पट्टी है कान में रुई है, किसी की सुनना नहीं है कुछ देखना नहीं है, जो हमने ठान लिया वही करना है। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कानून के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उसी तरीके से पट्टी बंध गई है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ लोधी रोड में तो बिल्कुल जी बहुत भेदभाव हो रखा है जी, भेदभाव हो रहा है बिल्कुल, इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। जैसा कि हमारे पास ऑर्डर है सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमें हटाया जा रहा है, वहीं कहीं पे साला रातों रात ऑर्डर मिल जाता है और वहाँ रातों रात सब कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ सालों से पुराना ऑर्डर होते हुए भी हमारी ना सुनी जा रही है ना देखी टाइम से लगा रहे जी, मैं तो पिताजी के टाइम से लगा रहा हूँ जी। कितने टाइम? पिताजी कम से कम 40-45 साल हो चुके हैं जब से हम दुकान लगाते थे, 45 साल हो गए जी। आप कहो तो मैं आपको पर्चियां भी दिखा दूंगा जो एमसीडी द्वारा काटी गई है, 2 रुपए की पर्ची से स्टार्टिंग हो रखी है जी हमारे यहाँ कटी हुई है जो, तो मैं वही चीज अभी ही क्यों इस तरीके से बुलडोजर चलने लग रहे हैं? बुलडोजर तो कुछ मतलब सियासत है। अब सियासत तो क्या है जी, इनक्रोचमेंट का इनका वो होता है, अब इनक्रोचमेंट के नाम पे ये बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, जबकि हमें 6x4 का जो ऑर्डर मिला हुआ है उनको 6x4 के अलावा हटाना चाहिए इन्हें। या तो ये इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन बताए क्या है कि इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है, जब हाई कोर्ट ने इनको यहाँ पे 6x4 का ऑर्डर दे रखा है लगाने के लिए, तो ये पूरा बिल्कुल कैसे साफ कर सकते हैं, किस आधार पे पूरा साफ कर देते हैं, क्यों इनका यहाँ पे? अच्छा आपका रोजगार इसी से चल रहा था, खान पान भी इसी, बिल्कुल आपको तोड़ने से पहले बोला गया कि आपको कुछ दिया जाएगा दुकान या कुछ चीजें? नहीं जी कभी नहीं बोला जाता, कभी नहीं बोला जाता, कभी कोई नोटिस नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ ही नहीं है, चाहे हम एमसीडी में चले जाए किसी अधिकारी के पास, चाहे कहीं भी चले जाए, कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है, मनमानी हो रही है, बिल्कुल मनमानी ही समझ लीजिए, अभी मनमानी ही हो रही है। नहीं तो ये ऑर्डर है किस ऑर्डर को क्यों नहीं माना जाता है, आप इतना बता दीजिए क्यों नहीं माना जाता है? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एक तरफ ये एक ऑर्डर मान रहे हैं जिसमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बोला गया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नकार दे रहे हैं क्यों? हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं मानते इसको, क्यों नकार रहे हैं, जब आप एक कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू कह रहे हैं कि भाई इंक्रोचमेंट हमें हटाना है, उसी हाई कोर्ट ने हमको यहाँ रिलीफ दे रखा है। दोगलापंथी हो रही है कि एक तरफ बोलते हैं कि ये दिया हुआ है, दूसरी तरफ हटा दिया, दोगलापंथी हो रही है। तो कह रहा हूँ ये दोगलापंथी नहीं तो क्या है, आप एक ऑर्डर को मानते हो दूसरे ऑर्डर को नहीं मानते हो, ये क्या चक्कर है? या मानो तो दोनों को मानो, नहीं मानो तो एक को भी मत मानो। तो हमारे तो सरकार से ये गुजारिश है इस चीज को देखे समझे। कुछ कह रहे हैं आप जी? मैं हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं लोग, अवहेलना हो रही बिल्कुल कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं, धज्जियां किसकी उड़ा? हाई कोर्ट की आशा मैम जज हैं, उनका दिया हुआ ऑर्डर है, उनका ये कॉपी है और वही आशा मैम जज साहिबा ने इन्हें ऑर्डर दिया हटाने के लिए, वो हमें हटा भी दिया और उसी अब आशा मैम जी ने ऑर्डर दिया है आपको 4x6 गुजर बसर जिंदगी गुजारने का और उसी में आपने हटा दिया। पढ़े लिखे पढ़े लिखे होते तो ये काम नहीं करते। क्या नाम? इंद्रभान नाम है मेरा, पढ़ा लिखा होता तो ये काम नाम भाई आपके इंद्रभान है? हाँ जी। उसके बावजूद भी जो है आपको नहीं बख्शा गया, नाम से क्या किया जाएगा, नाम का तो कमाल चल रहा है, कोई भरमार नहीं चल रहा है, कोई भरमार नहीं चल रहा है। मैडम आपने तो वीडियो बनाई हमारी, ये इसकी सुनवाई होगी कहीं पे? बिल्कुल, अब हम अपने चैनल के माध्यम से जो है आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे लोगों तक। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि धज्जियां और अवहेलना हो रही है, वाकई में क्या हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है? हाई कोर्ट है, आपने ये ऑर्डर आपने देखा ना जूम करके एकदम, आपने ये कोर्ट का सारे ऑर्डर पढ़े सारे सब कुछ देख लिया, अब इसमें बता दो अगर कोई पुलिस वाला पढ़ने को राजी हो, कई एमसीडी वाला पढ़ने को राजी, क्यों नहीं पढ़ रहा इस चीज़ को, क्यों नहीं इसकी वैल्यू समझता है, क्यों हाई कोर्ट की वैल्यू कहीं नहीं है, या इन पुलिस वालों या इन एमसीडी वालों से ऊपर है हाई कोर्ट है कि नहीं है, या मतलब एमसीडी ऊपर है हाई कोर्ट नीचे है, किसकी कहना मानेंगे आप? ये साइन करके क्यों देते, स्टंप लगा के क्यों देते, कोर्ट कचहरी का ऑर्डर चलता, हम केस दिन हम दिन ब दिन भागते हैं भाई, आज आपका वहाँ पे कोर्ट में हाजिर हो, हाँ ठीक है जी, हम दुकान छोड़ के जाते हैं वहाँ पे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, अब हम ऑर्डर लेकर के भी आते हैं कोर्ट से तब भी उसकी सुनवाई नहीं होते हो, अब इसमें हम बताओ क्या करें? देखिए मैंने आपसे अभी दिखाया आप लोगों को कैसे इन लोगों की दुकानें ऑर्डर होने के बाद भी सब कुछ सर्टिफिकेट होने के बाद भी तोड़ दी गई, और तोड़ने के बाद जो बचे कुछ पत्थर थे वो तक एमसीडी उठा के ले गई, आप सोच लीजिए। और सर जिस तरीके से ये पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी उनको ये ऑर्डर दिखा रहे थे, बावजूद उसके उन्होंने ये ऑर्डर नहीं देखा, आप देख लीजिए किस तरीके का प्रजातंत्र
को भंग करके बुलडोजर तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों ने उंगलियां तक उठा दी है, हाई कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। यानी कि हाई कोर्ट क्या सबसे नीचे हो गया है, क्या एमसीडी सबसे ऊपर हो गया है कि एमसीडी किसी की भी नहीं सुन रहा है, क्या एमसीडी अपने आप में ही बुलडोजर हो गया है? सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए। और इसी तरीके की जो है आपको मैं दिखाती रहूँगी कवरेज और न्यूज़, इस तरीके की खबरें आपको मैं दिखाती रहूँगी किस तरीके से लोगों की जो दर्द है आप समझ सकते हैं। किस तरीके से एक इंसान अपनी दुकान को लगाने के चलाने के लिए उसमें पैसा लगाता है, छोटा मोटा व्यापार करता है, उससे अपना गुजारा भत्ता चलाता है, इनका आप दर्द समझिए। किस तरीके से लोग परेशान हैं, इस चिलचिलाती धूप में दुकान लगाते थे, गुजर बसर चलता था, अब तोड़ दी गई है, अब ये लोग क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़, नई दिल्ली।